दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें किसी भी इंसान की बेसिक नीड क्या है, आप में से लगभग सभी लोगों का जवाब यही होगा कि खाना, कपड़ा और मकान। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम? लेकिन आजकल इस बदलते दौर में लोगों को खाना, कपड़ा और मकान के साथ साथ कुछ पीने को भी चाहिए, है ना? सही बात। और इसका जीता जागता उदाहरण हम सब ने लॉकडाउन के दौरान देखा था। लॉकडाउन के दौरान मात्र दो ही ऐसी चीजें थी जो रुकी ही नहीं, पहली तो शराब और दूसरी शादी। यकीनन आप में से बहुत से लोग लॉकडाउन के दौरान लाइन में तो जरूर खड़े हुए होंगे। आप लोगों को पता ही होगा ये शराब हमारी सेहत के लिए कितनी ज्यादा खराब होती है, बावजूद इसके ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी अच्छे से संभालने का काम भी करती है। आजकल लोग हर चीजों में शराब का यूज करने लगे हैं। खुश हो तो शराब, परेशान हो तो शराब, शादी हुई तो शराब, और ब्रेकअप हुआ तो शराब है ही। और आजकल तो ये अलग अलग टाइप्स में मिलने लगा है, जैसे कि बियर, रम, विस्की और पता नहीं क्या क्या। वैसे आजकल ये विस्की काफी ज्यादा डिमांड में है। लोग खुद को कूल दिखाने के लिए एक शीशे के ग्लास में इसे डालकर धीरे धीरे पीते जाते हैं, मानो कोई अमृत का घूंट पी रहे हो। अब इतना तो हमें पता है कि आप सबने भी कभी ना कभी इस विस्की को हाथ तो जरूर लगाया होगा। वैसे क्या आपको ये पता है इस विस्की को तैयार कैसे किया जाता है, साथ ही इस विस्की को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम है ना, बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज इस वीडियो में प्रोसेस ऑफ मेकिंग विस्की दिखाने वाले हैं। तो चलिए बातों को बिना गोल गोल घुमाए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे मजेदार वीडियो। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक 2017 से लेकर 2021 तक इस शराब को बेचकर भारत ने एक दो नहीं बल्कि 30,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। बात अकेले सिर्फ विस्की की करें तो हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विस्की मार्केट है। इस विस्की का अगर हम नेट अमाउंट निकालें तो उसका कुल कारोबार 166 मिलियन पाउंड का है। दोस्तों, हम ये डेटा जो आपको बता रहे हैं दरअसल वो है 2019 का, और इस वक्त चल रहा है 2022। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में ये आंकड़ा कितना ज्यादा ऊपर आ गया होगा। खैर, हम आपको विस्की का प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपको इसका इतिहास पता है? नहीं पता, टेंशन नॉट, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके बाद तो हम हैं। खैर, हम दोस्तों आविष्कार के बारे में बात करेंगे, विस्की के आविष्कार के बारे में। और अब हम इस बात का प्रूफ नहीं मिला है कि आखिर किस इंसान ने इतने बेहतरीन चीज की खोज की थी, लेकिन हाँ, अब इस बात को जरूर जानते हैं कि इस विस्की का आविष्कार चीन में ही कहीं ना कहीं हुआ था। बताया जाता है कुछ लोग हैं जो विस्की को बनाने का श्रेय देते हैं चाइनीज मॉन्क को, क्योंकि उनके हिसाब से वो मॉन्क ही थे जो अनाज को गलाकर और सड़ाकर इस विस्की को बनाते थे और दवाइयों के रूप में लोगों को देते थे। खैर, चीन के बाद अब ये पूरा प्रोसेस स्कॉटलैंड पहुंचा, तो यहाँ पर विस्की को लोग इतना पसंद करने लगे कि इसे और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए लोग अलग अलग चीजों और फ्लेवर का यूज करने लगे। स्कॉटलैंड ही था जहां पर इसको बनाने को लेकर कानून भी बना दिए गए, जिसके बाद लगभग सभी देशों ने ऐसा ही किया। दोस्तों, आज जो विस्की आप अमृत की तरह पीते हो वो करीब 1820 में भारत आई थी। फिर क्या दोस्तों, इस विस्की ने अपने स्वाद और नशे में लोगों का मन कुछ ऐसा मोह लिया कि देखते ही देखते इंडिया विस्की का अच्छा खासा मार्केट बन गया। दोस्तों, आज हमारे देश का एक तिहाई हिस्सा शराब के नाम पर विस्की पीता है, जिसमें से आप भी हैं। खैर, चलिए आपको अब बिना किसी देरी के बताते हैं मेकिंग ऑफ विस्की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विस्की को बनाने के लिए तीन सबसे जरूरी चीजें हैं। सबसे पहला अनाज, पानी और यीस्ट। अब विस्की को बनाने में लिया कौन सा अनाज काम में आएगा, ये बात डिपेंड करता है कि आखिर विस्की कौन सी बनकर तैयार हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सिंगल मोल्ड विस्की बनाते हैं तो उसके लिए अनाज के तौर पर राया ग्रेन का यूज करते हैं, लेकिन वहीं अगर कंपनी वाले बर्बन विस्की तैयार कर रहे हैं या कहें बना रहे हैं तो अनाज के तौर पर कम से कम 4% कॉर्न का यूज करना पड़ता है। बातें बहुत हो गई, अब आते हैं दोस्तों इसको बनाने के प्रोसेस में। दोस्तों, विस्की को बनाने के कई सारे स्टेप्स हैं। विस्की बनाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमें विस्की को बनाने के लिए किस अनाज को लेना है, साथ ही इसकी क्वालिटी लेवल क्या होगा। इन सब के साथ साथ पानी में कौन कौन से मिनरल मौजूद होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, विस्की को बनाने वाले लोग इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि पानी में लाइम मौजूद हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि लाइम विस्की के बनाने के प्रोसेस को काफी ज्यादा इजी कर देता है। इन सब चीजों पर अच्छे से डिस्कशन करने के बाद कारीगर आते हैं माल्टिंग प्रोसेस पर। आपको सबसे पहले ये प्रोसेस थोड़ा साइंटिफिकली रूप से समझाते हैं। इस प्रोसेस में अनाज के एंजाइम्स को बेहतरीन ढंग से प्रोड्यूस किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही एंजाइम्स होते हैं जो अनाज में मौजूद स्टार्च को सेल्यूलोज वाले शुगर में चेंज कर देते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अनाज को पानी में भिगो दिया जाता है, और इसे भिगोया भी इसी मकसद से जाता है कि इसे अगली बार भी गीला किया जा सके। इस अनाज को करीब करीब दो बार भिगोया जाता है और उसके बाद इसे सूखने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ऐसा किया जाता है, वैसे एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब अनाज में थोड़ा सा स्मोकी स्मेल आए, इसके लिए अनाज को कोयले के धुएं में सुखाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब अनाज के कोयले के धुएं में सुखाया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा नहीं हो। खैर, एंजाइम निकालने के बाद अगला प्रोसेस होता है मैसिंग का। इस प्रोसेस में एंजाइम वाले सूखे हुए अनाज को अलग अलग टाइप्स में पीसने के लिए मिल में भेजा जाता है। आपको बता दें, इस पीसे हुए अनाज में करीब 70% अनाज काफी मोटा होता है, 20% उससे भी पतला, और बचे 10% अनाज को ठीक बिल्कुल आटे की तरह पीस लेते हैं। अनाज को पीसने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर पानी मिलाया जाता है और उसके बाद उन्हें मैश किया जाता है। मैश के बाद जो सोल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर करीब 40 से 80 डिग्री के बीच रखा जाता है। इस टेम्परेचर पर सोल्यूशन को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैश किए हुए इस सोल्यूशन में शुगर करीब 20-30% होती है। खैर, इसके बाद शुरू होता है अगला प्रोसेस जिसका नाम है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में होता यह है कि मैश किए गए सोल्यूशन में ईस्ट मिलाया जाता है। क्या आपको पता है इस सोल्यूशन में ईस्ट क्यों मिलाते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इसमें मौजूद स्टार्च अपने आप को सोल्यूबल शुगर में बदलना शुरू कर दे, और यहीं से शुरू होता है विस्की बनने का प्रोसेस। अगला प्रोसेस है डिस्टिलेशन का। इस प्रोसेस में फर्मेंटेड हो गए लिक्विड को अलग करके निकाल दिया जाता है और कुछ ऐसा तैयार होता है पॉइजन अल्कोहल, जिसे अगर किसी ने बिना डिस्टिलेशन के यूज में लाया तो उसकी मौत निश्चित है। अब ये जानलेवा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल भी मौजूद होता है। एथेनॉल को इस सोल्यूशन से निकालने के कॉपर के बड़े बड़े बर्तन में इस सोल्यूशन को रखते हैं। चूंकि एथेनॉल 70 से 80 डिग्री पर ही इवेपोरेट होने लग जाती है और भाप बनकर उड़ने लगती है, यही कारण है कि इसे इस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अब जैसे ये एथेनॉल भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती है, उसे एक पाइप की मदद से दूसरे कंटेनर में भेजा जाता है। जब ये दूसरे कंटेनर में जाती है तो उसे ठंडी हवा से होकर गुजारते हैं, जिससे कि एथेनॉल ठंडा होने के बाद लिक्विड बन जाता है। इसके बाद जो लिक्विड हमें बाद में मिलता है उसमें चेक किया जाता है उसमें मौजूद अल्कोहल 40-60% के बीच ही हो। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस लिक्विड में पानी मिलाया जाता है और इसे ऑक की बनी बैरल में रख दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन ऑक के बैरल को एक बार अंदर और ऊपर की तरफ से जलाया जाता है। कहते हैं इस बैरल में विस्की को कम से कम 3 साल रखना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में विस्की की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसे 3 साल तक रखा ही नहीं जा सकता। इसलिए बहुत सारी कंपनी डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद बोतल में भरकर कंपनी का लेबल लगाकर मार्केट में भेज देती है। दोस्तों, विस्की के बारे में ऐसा कहा जाता है, विस्की जितनी पुरानी होती है उसका टेस्ट भी उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, कुछ यूं बनकर तैयार होती है आपकी फेवरेट विस्की। वैसे आपकी पसंद वाली विस्की कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बनकर तैयार होती है आपकी विस्की। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।